उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट पर अभी भी मतगणना जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बना रहे हैं, वहीं दारा सिंह काफी वोटों से पिछड़ चुके हैं। बता दें कि इस चुनाव में एनडीए की तरफ से लीड रोल में ओम प्रकाश राजभर थे और सपा की तरफ से पूरा यादव कुनबा अपना सियासी रसूख दिखाने में जुटा हुआ था। वहीं मतगणना के बीच सपा कार्यालय के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई और जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। पिछले शहर का शेर है, कुछ लोग बड़े होने के वहम में चले गए, जो बड़े थे वो अहम में चले गए। तो कहीं ना कहीं राजभर जी का जो बड़बोलापन है, वो जब हमारी पार्टी में थे तो तमाम लोगों को भीख मंगवाने का काम कर रहे थे, जब वहां गए तो हम लोगों के बारे में अपशब्द। तो जनता भी अच्छी तरीके से समझती है कि जो ऐसे लोग हैं इस राजनीति में एक बड़े पद पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपने घमंड को इस लेवल पे ले जाकर बात करते हैं, तो जनता भी इसको समय आने पर कहीं ना कहीं। और मैं सबसे मैं सोच रही अपने माननीय राजभर जी के लिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, वो बहुत चिल्ला रहे थे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन अब मैं कह रही हूँ किन्नर होके कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बता दें कि घोसी उपचुनाव में ओपी राजभर मुख्य भूमिका निभा रहे थे और अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रहे थे। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कल कहा था कि मतगणना वाले दिन 11 बजे तक सपाई पंडाल छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन अब आज हमारे संवाददाता लखनऊ में ओपी राजभर के दफ्तर पहुंचे तो वह सन्नाटा पसरा हुआ था। कार्यालय में ना तो ओपी राजभर थे और ना ही उनके दोनों बेटे थे। बता दें कि सुभाष पापर मुख जिस टीन शेड के नीचे बैठकर पत्रकारों से वार्ता करते थे, वो टीन शेड आज खाली था। आप देख रहे हैं कि टीन शेड के नीचे केवल एक गाड़ी खड़ी है और वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं हमारे संवाददाता ने ओपी राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ओपी राजभर जी भी इस वक्त जो है वो पता नहीं कहाँ है। अरुण जी को मैंने कांटेक्ट किया, उनसे बात नहीं हो पाई है। सुभाषपा का कार्यालय है, एक टाइम पे यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगती थी, लेकिन घोसी उपचुनाव के जब नतीजे जो है वो थोड़ा साफ होने लगे हैं उसके बाद पूरे दफ्तर में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि पूरा दफ्तर खाली था, ना तो ओम प्रकाश राजभर वहां पर मौजूद थे और ना ही उनके दोनों बेटे मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।